नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। फायरिंग में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्र की शव यात्रा में शामिल लोगों ने कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी। ग्रामीण लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। डीएम मोनिका रानी ने कहा, हम स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिगड़ते हालातों को देखते हुए एडीजी कानून व्यवस्था और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को तुरंत बहराइच जाने के आदेश दिए हैं। रामगांव थाना क्षेत्र के रहुआ मंसूर गांव से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में रविवार को पहुंचा था। धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने पर समुदाय विशेष के लोगों ने रहुआ मंसूर गांव निवासी 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे आक्रोश फैल गया। इसके विरोध प्रदर्शन के साथ आगजनी और पथराव हुआ था। हरदी पुलिस ने विरोध कर रहे बहुसंख्यक समाज के लोगों पर ही जमकर लाठियां भांजी। कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद भोर में शव घर पहुंचा। गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। लोग आक्रोशित हो उठे। हजारों की संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। परिवारजन के साथ हजारों की संख्या में लोग शव को लेकर तहसील परिसर की ओर चल दिए। ग्रामीण अपराधियों को फांसी देने और घर पर बुलडोजर की कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ये बेहद ही दुखद है। इस मौके पर सभी से निवेदन है कि सभी सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना ना हो तथा शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दे। ये घटना जांच का विषय है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।